वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज चलते हैं भाई वृंदावन। आज वृंदावन में मनाया जा रहा है प्रकटोत्सव, यानी आज ही के दिन बिहारी जी प्रकट हुए थे। और आज के इस त्यौहार को, आज के इस पर्व को बोलते हैं बिहार पंचमी। तो आज वहीं पर जाके सेलिब्रेट करेंगे। आज बाबा ने बुला लिया, कान्हा जी के दरबार में दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दरबार में जाके दर्शन कराऊँ। तो चलो चलते हैं, दरबार में दर्शन करते हैं। कैसे होगा फिर? देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं भाई आज। तो भाई आज हमारी एंट्री हो गई। सॉरी भाई साहब, लाइन को क्यों तोड़ रहे हैं? एक और जगह से एंट्री। तो पहले चप्पल उतार लो भाई। से सारे सिस्टम चेंज हो गए। अच्छा, जब भी हां बहुत होते हैं मरी गए तब भी मरते हैं। बोले आज तो ठंड होते हो बंदे 8:30 नहीं, आज 9:30 बजे बहुत ही पंडा जी का वगैरह। हां 1 घंटा फालतू बोले आएगा प्रकोट दिवस। अरे हां 9:30 तो आप इतना रही है बंदे, जल्दी करो। तो भाई मंदिर आज 9:30 तक खुलेगा। जूते चप्पल यहाँ पे उतार देते हैं और फिर चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। भाई कान्हा जी पे हमारे बात नहीं जानते थे। यहाँ से ले आओ मोड़ पे, कोने पे पास में मोड़ते कॉर्नर पे मक्खन मिश्री भी यहाँ से लेके चले। हम तो 1 किलो टोकरी बांटते हैं। चलो बर्थडे अरे आराम से घर भी चला जाएगा, अब मेल्ट नहीं होता ये ठंडा। 1 ही किलो कर दो मिश्री, वो तो भाई भी पहले भी मक्खन मिश्री का भोग लगा के गए हैं, मैं पहली बार लगा रहा हूँ। सारा बांट देते हैं ना, 1 किलो का सारा पहले ज्यादा बांट देते हैं, 2 बस्ता घर ले जाते हैं। तो वो प्रसाद यहीं पे बांटेगा कहाँ पे? हाँ ये पीछे चला जाइए, ये बाहर मंदिर भारी पड़ जाएगा सारा। तो बाकी छोटे बच्चे डलिया बढ़ा रहे इनको, आप इनको डब्बे दो, ये डब्बा में कर दे डलिया में कर दे। तो ये रेडी है भाई मक्खन मिश्री का प्रसाद, जो भोग लगेगा कान्हा जी को, हमारे नन्हे बाल गोपाल को। तो चलो मैं भी अपना प्रसाद रेडी कराऊं। भाई मक्खन मिश्री का भोग यहाँ भी आ गया, एक और वो दे देना भैया इसका।
राधे 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 भाई। हम पहुंच गए मंदिर में और यह है बांके बिहारी लाल का मंदिर। तो भाई एक माला भी लेंगे यहाँ से और एक मेरी भी ले लेना, मैं देता हूँ यहाँ से माला। भाई माला भी चढ़ाएंगे। बड़ी दोगे ना? बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भाई मंदिर के दर्शन हो गए और अब निकल रहे हैं यहाँ से। एग्जिट करनी है, गेट नहीं मिल रहा। किधर से निकलना होगा अभी? अभी देख रहे हैं अभी कहाँ से जा रहे हैं। भाई अभी और सामान लेना ना, वहाँ पे प्रसाद वाले की शॉप पे जाना वापसी, तो उसमें अभी सामान लेके तो देखते हैं। गेट नंबर 2 से जाना था पर वो बंद हो चुका है। उन्होंने बैरिकेड लगा दिया, ताला लगा दिया, तो अब देखते हैं इधर से एंट्री देते हैं नहीं देते। भाई ट्राई कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल वाले सिचुएशन में आ गए। बट भाई एक कांड हो गया साथ में प्रसाद। जब लेके मैं बाहर निकला था तो भगदड़ में मेरा चश्मा टूट गया, तो अब बिना चश्मे के मेरे को घर जाना पड़ेगा। कल देखता हूँ, बनवाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे होता, तो चलते हैं फिर। तो भाई फाइनली हमारे दर्शन हो गए, ये रहा हमारा प्रसाद, अब प्रसाद को बांटेंगे। और ये रहे बिहारी जी, तो चलते हैं यहाँ से। यात्रा हमारी शुभ रही, मज़ा आया बहुत। तो थैंक यू राजीव जी, बिहारी लाल की जय। भाई ऐसे हमने माखन मिश्री का भोग लगाया, मेरा प्रसाद ये रहा, मैंने बांट दिया। भीड़ का आलम भाई कुछ इस तरीके का है, ये गेट खोल रहे हैं अभी, यहाँ देखिए के बिहारी लाल की जय। चलो बड़ी मुश्किल से निकला गया भाई।
बचा हुआ प्रसाद होता है जो घर ले जाने के लिए गंगा जी देते हैं, तो ये है जो बचा हुआ प्रसाद है तो यहाँ से मैं घर ले जाऊँ। घर के जो सदस्य हैं वो भी इसको ग्रहण कर सकें, जो घर के लोग हैं सदस्य बचे हुए जो घर पर हैं जो किसी कारण से। तो भाई ये सारा घर पे जाएगा, जो घर के सदस्य हैं वो सभी ये खाएंगे, भोग लगाएंगे। कान्हा जी ने तो भोग लगा लिया, अब घर वाले भोग लगाएंगे इसमें, इसकी बिस्तर वाले सभी को देंगे। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हम कहीं जाएं और रिश्वत ना लेके जाएं घर पे तो मुमकिन नहीं है, तो रिश्वत भी लेके जानी पड़ती है ऐसी ऐसी। तो भाई यहाँ से निकल गए, रिश्वत भी ले ली, प्रसाद भी ले लिया, खाना पीना भी खा लिया और अब चलते हैं घर की तरफ। अभी तो नाश्ता किया है, रास्ते में अभी बढ़िया डिनर कर दाल मखनी, गरम गरम दाल मखनी शाही पनीर। चलो फिर खाना खाते खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं भाई सीधा दिल्ली, या फिर जहाँ खाना खाएंगे वहाँ रुकते हैं। भाई चश्मे के बिना HD विज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत अजीब लग रहा। तो राधा रानी के एक ढाबे पे रुके हैं भाई, वहाँ खाते हैं कुछ खाना, डिनर करके यहाँ से निकलेंगे और पहले वॉशरूम जाऊँ। तो कैसे रहे दर्शन ये तो बता दो। राधे राधे, बहुत बढ़िया बिहारी जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, हो गए राधे राधे। तो भाई राजीव जी के थ्रू आज हमारे हो गए दर्शन, वरना आज का तो कोई भी प्लान नहीं था। मतलब बिल्कुल उन्हें बुलाना था और जरिया इन्हें बनना था भाई। तो थैंक यू राजीव जी। तो चलो चश्मा थोड़ा वो हो गया, भीड़ भाड़ में चश्मा इनका टूट गया चश्मा, बात नहीं बिहारी भाई बंदर तोड़ता वो बात अलग थी, मगर यार भीड़ में चश्मा टूट गया। तो चलो खाते हैं भाई खाना। तो भाई खाना छाना यहाँ से खा लिया और खा के अब निकल रहे हैं सीधा दिल्ली और घर जाके मिलते हैं। खाना बहुत टेस्टी था, राजीव जी जब भी यहाँ पे आते हैं इसी होटल पे रुकते हैं, होटल का नाम था राधा रानी रेस्टोरेंट भोजनालय हिंदी में ही था। तो चलो चलते हैं, रोड पे आ गए, अभी हाईवे चढ़ेंगे यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा दिल्ली। तो दिल्ली मिलते हैं अब। A few moments later. कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। मजा आया? थैंक यू बाबा। तो इसे गाड़ी का इतना क्रेज हो रहा है भाई, वो रुक भी नहीं रहा। तो भाई गाड़ी लेके बहुत कुछ है बच्चा। सो फाइनली भाई आ गए हैं अपने घर और थक गए, चश्मा भी टूट गया भाई। तो टाइम हो गया 12:12 टाइम भी हो गया। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट, बाय बाय।